घरशाला बुनियादी शिक्षण संस्था संचालित आ यूट्यूब चैनल में हूँ पंड्या मोनिका आप सौनु हार्दिक स्वागत करू छु। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जो मित्रों, आजे आपणे हिंदी में व्याकरण विभाग समझवानो छे, बराबर। अने आजना टॉपिकनुं नाम छे सर्वनाम। तो तमारे बधाए आ टॉपिक जे छे ए खूब ज ध्यानथी समझी लेवानो छे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, हवे बधानुं ध्यान आ स्क्रीन उपर। तमने स्क्रीन उपर अविभाग अने ब विभाग अने एमा अमुक वाक्यो जे छे एनो फोटो देखाय छे, बराबर। तो हवे आ वाक्य जे छे ए हूँ वाँचीने संभळावुं छुं। बधानुं ध्यान आ वाक्यो उपर अने त्यारबाद आ वाक्योमां शुं फेर छे, बराबर, एनी वात करशुं आपणे। तो हवे बधानुं ध्यान आ स्क्रीन उपर। वाक्य एक, राकेश पढ़ता है, वह होशियार है। वाक्य बे, छात्रों ने कहा हम सफाई करेंगे। वाक्य त्रण, राम लक्ष्मण भाई थे, वे पंचवटी में रहते थे। वाक्य चार, लव ने कुश से कहा मैं यहाँ से लड़ता हूँ। वाक्य पांच, अजय ने आनंद से पूछा तू कब आया। वाक्य छ, सीता जी ने राम से कहा आप आइए स्वामी। वाक्य सात, करीम क्रिकेट खेलता है, वह अच्छा खिलाड़ी है। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर अविभाग और ब विभाग के वाक्य साथ साथ पढ़ने से मालूम होता है कि अविभाग के रेखांकित शब्द संज्ञा के लिए ब विभाग में दूसरा शब्द रखा गया है। एटले के विद्यार्थी मित्रों, आपणे संज्ञानो टॉपिक जे छे ए समझी लीधो छे, बराबर। तो संज्ञा कोने कहेवाय ए तो तमने बधाने खबर ज हशे, बराबर। तो अविभागमां जे पण शब्दनी नीचे तमने अंडरलाइन देखाय छे ए बधा ज शब्द संज्ञा छे, बराबर। अने ब विभागमां जे शब्द नीचे अंडरलाइन देखाय छे ए संज्ञानो बीजो शब्द छे, एटले के संज्ञा माटे वपरायेला बीजा शब्दो छे, बराबर। तो आगळ समजीए। प्रथम वाक्य में राकेश संज्ञा है, ब विभाग में राकेश के लिए वह शब्द प्रयुक्त किया गया है, बराबर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जोयो विद्यार्थी मित्रों, संज्ञाना स्थाने जे शब्दनो प्रयोग करवामां आवे एने आपणे शुं कहीए, सर्वनाम, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे सर्वनामनी व्याख्या समझी लईए, बराबर। तो सर्वनामनी व्याख्या जे छे ए तमने स्क्रीन उपर देखाय छे अने तमारे बधाए आ व्याख्या जे छे ए पाकी करी लेवानी छे, बराबर। कारण के एक मार्क मां व्याख्या पूछाई शके छे, बराबर।
तो हवे बधानुं ध्यान आ स्क्रीन उपर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जोयो विद्यार्थी मित्रों, हमणाज आपणे अविभाग अने बविभाग एमां अमुक वाक्यो जे छे ए समझ्या हता, बराबर। एमां अविभागमां जे वाक्यो हता ए बधा ज संज्ञा हता, बराबर। अविभागमां तमने शब्दनी नीचे अंडरलाइन देखाती थी, ए बधा ज शब्द शुं हता? संज्ञा हता, बराबर। अने बविभागमां तमने जे शब्दनी नीचे अंडरलाइन देखाती हती ए बधा ज सर्वनाम हता, बराबर। तो हवे आपणे सर्वनामना जे प्रकारो छे एना विषे समझशुं, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, सर्वनाम के छ प्रकार है और छ प्रकार के नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग छह प्रकार का अभ्यास खूबज विस्तार से करेंगे, ठीक है। प्रकार नंबर एक, पुरुषवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ वाक्य जो है वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पढ़ के समझाते हूँ। सभी का ध्यान यहाँ स्क्रीन पर। वाक्य एक, मैं अखबार पढ़ता हूँ। वाक्य बे, तुम वर्ग खंड में जाओ। वाक्य तीसरा, वे मैदान पर गए। वाक्य चार, हम अहमदाबाद में रहते हैं। वाक्य पांच, तू कहाँ जाता है? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम है। ये सर्वनाम अपने बारे में, श्रोता के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एटले के विद्यार्थी मित्रों, बे व्यक्ति जो वात करता होय तो एमां एक तो आपणे पोते थईए, बराबर। क्लास में तमे अने हूँ होईए छीए, एटले के पहला हूँ मारी विषे वात करूँ छू, पछी हूँ तमने कहूँ छू के तमे वाँचो, तो ई थयो बीजो पुरुष। हूँ वाँचू छू एटले के मैं थाय, बराबर। तो मैं पढ़ता हूँ तो ई पोतानी विषे वात करे छे। पछी तुम पढ़ते हो, बराबर, तो ई बीजा व्यक्ति माटे छे। अने वे पढ़ते है एटले के कोई अन्य पुरुष, एटले के ई त्रीजो पुरुष छे, बराबर। तो अहींया त्रणे पुरुष विषे, एटले के आ जे सर्वनाम छे एमां त्रणे व्यक्तिओ विषे वात करेली छे। एक तो पोताना विषे, बीजो सामे जे व्यक्ति होय, आपणी साथे जे वात करती होय एना विषे, बराबर। अने त्रीजू जे छे ई कोई अन्य व्यक्ति माटे वपरायेलो सर्वनाम छे, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग याद रखिएगा कि बोलने वाले, सुनने वाले
या अन्य को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये जो सारे शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आप लोग अपनी नोटबुक में ये जो सारे सर्वनाम है वह लिखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और बाद में आप लोगों को जब भी पढ़ने का मन हो तो अपनी नोटबुक खोल के पढ़ सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को लिखना जरूर है, भूलिएगा मत। प्रकार नंबर दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को स्क्रीन पर निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पढ़ के समझाती हूँ। सभी का ध्यान यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है। वाक्य नंबर एक, मैं स्वयं यह काम कर सकता हूँ। वाक्य दूसरा, तुम खुद जाकर देख लो। वाक्य तीसरा, लड़की अपना काम आप ही करेगी। वाक्य चौथा, मैं खुद अंजार जाऊंगा। वाक्य पांच, मनोज स्वयं मुझे मिला था। विद्यार्थी मित्रों, इन पांच वाक्यों में जो भी शब्द के नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रही है वह निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द। विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने हमणा पहला जे वात समझावी के जे शब्द नीचे अंडरलाइन देखाय छे ए पोताना माटे वपरायेला शब्द छे, बराबर। तो स्क्रीन ऊपर तमने पांच वाक्यो पछी नीचे जे पण डॉट लाइन मां वंचाय छे ए ज वस्तु लखेली छे, बराबर। हूँ वाँचीने समझाऊ छु, बराबर। उपयुक्त वाक्यो में रेखांकित पद स्वयं, खुद, आप का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है, एटले के आजे बधा शब्दों जे छे ई पोताना माटे वपरायेला शब्दों छे, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग याद रखिएगा कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, आप आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, ये निजवाचक जो सर्वनाम है वह भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है, और आप लोगों को याद भी रखना है ताकि जब भी परीक्षा में यह पूछा जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने दो सर्वनाम का अभ्यास किया, पहला तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम। और आगे के जो तीन सर्वनाम का अभ्यास बाकी है वह हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।